हेलो बच्चों, माँ शारदे स्टडी पॉइंट में सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ तो बेटा, आज मैं कंजक्शन बताऊंगा जो सेंटेंसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंबाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, या फिर कंपाउंड सेंटेंस को हम कंबाइंड करते हैं, तो हमें कंजक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उनके अर्थ मालूम होना चाहिए। तो मैंने आज का टॉपिक लिया है कंजक्शन के अर्थ। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट कंजक्शन के अर्थ फॉर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के लिए महत्वपूर्ण कंजक्शनों के अर्थ। सबसे पहले है एज वेल एज, इसका अर्थ होता है और भी कॉमा तथा। दूसरा है अदरवाइज कॉमा और कॉमा एल्स, इसका अर्थ होता है नहीं तो कॉमा अन्यथा। अगला है देयर फॉर, सो, हेंस और कॉन्सिक्वेंटली, इसका अर्थ होता है अतः कॉमा इसलिए कॉमा फलतः। ठीक है बेटा, अगर इसके अर्थ में आ रहा है तो इसके हम कंजक्शन को इस कंजक्शन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। आदर और, इसका अर्थ है या तो डॉट डॉट या, नाइदर नॉर डॉट डॉट, इसका अर्थ है ना तो डॉट डॉट ना, बॉथ डॉट डॉट एंड, इसका अर्थ है और डॉट डॉट भी। ठीक है, इसे नोट करें कॉपी पे वीडियो पॉज करके। हाँ बेटा, आगे है सो डॉट डॉट दैट, इसका मतलब है इतना के। ऐसे ही टू डॉट डॉट टू, एडवर्ब और इन्फिनिटिव वाला टू, ठीक है, इसका भी अर्थ है इतना डॉट डॉट के। इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। ठीक है, सो डॉट डॉट एज, इसका मतलब है इतना डॉट डॉट जितना के, इसका भी प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। सो सॉरी एज डॉट डॉट एज, इसका भी अर्थ होता है इतना डॉट डॉट जितना के, इसका पॉजिटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग होता है। एज सून एज, इसका अर्थ है ज्यों ही डॉट डॉट त्यों ही, बट बट का अर्थ है लेकिन किंतु परंतु। नो सूनर डॉट डॉट देन, इसका अर्थ है ज्यों ही डॉट डॉट त्यों ही, ठीक है, इसका भी प्रयोग नेगेटिव के लिए होता है। हार्डली डॉट डॉट भेन, इसका मतलब है मुश्किल से ही या कठिनता से। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब केवल ही नहीं बल्कि भी। ठीक है, नोट करें इसे। हाँ बेटा, बेयर, बेयर का अर्थ होता है जहां, सी बेयर एवर, जहां कहीं भी। भैंस, जहां से या कहां से। भेन, जब। भेन एवर, जब चाहे। ठीक है, टिल और अंटिल का अर्थ होता है तब तक, कॉमा जब तक। ठीक है, बीच में डैश है। बिकॉज और एज, इसका अर्थ होता है क्योंकि। स्कार्सली डॉट डॉट भेन, इसका भी मतलब होता है मुश्किल से। स्कार्सली भेन या फिर हार्डली भेन, ठीक है, दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। ये कंजक्शन कॉपी पर नोट करें और इन्हें याद करें अच्छी तरह से। ठीक है, और जहां कहीं भी बाकी की कमांड करने में जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।